सो नमस्कार किसान भाइयों, आप जुड़ चुके हैं एक और शानदार वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे फार्म ट्रैक के 35 ऑलराउंडर ट्रैक्टर के बारे में, जो चैम्पियन ट्रैक्टर हैं। आप ट्रैक्टर कोई भी कैटेगरी का खरीदने से पहले ट्रैक्टर की जानकारी अति आवश्यक लें, क्योंकि ट्रैक्टर में कोई धोखाधड़ी भी हो सकती हैं और उसी के दौरान ट्रैक्टर में कमियां फ़ायदे भी नज़र आएंगे। तो उसी के दौरान आपको ट्रैक्टर खरीदने से पहले कुछ जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है, ताकि आप ट्रैक्टर खरीदने के बाद आपको कोई दिक्कत डाउट क्लियर यानी कि डाउट ना हो। तो उसी के दौरान आप इस ट्रैक्टर का रिव्यू पूरा देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात ना हो। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको फ्रंट का एक्सल दिया गया, वो सीधा सा नॉन एडजस्टेबल दिया गया है। आगे वाले टायर दिए गए 6/0/16 के दिए गए हैं, जो फार्म ट्रैक 35/35 के अंदर आता है। ये ट्रैक्टर 35 हॉर्स पावर की श्रेणी से 38 हॉर्स पावर की श्रेणी का ट्रैक्टर हैं, जो समान श्रेणी मानी जाती हैं। कोई भी किसान भाई, छोटा किसान भाई हो, वह भी इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहेगा, क्योंकि उन्हें ऐसे ट्रैक्टर की ज़रूरत होती हैं और उसके घर के कार्यों, खेती बाड़ी से ज़रूरतमंद इस ट्रैक्टर से पूरा कर सकता है। और उसी के दौरान इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 3 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है, जो 2349 cc का आता है। फार्म ट्रैक की ब्रांडिंग दी गई काफ़ी शानदार और चमकदार, इसको डिज़ाइन किया गया, जो लुक के रूप में भी दोनों साइड में वही प्रोवाइड करती है कंपनी, जो काफ़ी बेहतर क्वालिटी का। और इस ट्रैक्टर के अंदर आपको कलर भी ब्लू देखने को मिलता है, जो अन्य ट्रैक्टरों से हटके ट्रैक्टर को बनाया गया है। दूसरे ट्रैक्टरों में ऐसा कलर वगैरह नहीं देखने को मिलता। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको बैटरी बॉक्स से वो साइड शिफ्टर दिया गया है, जो साइड में इंजन से दूरी पर शिफ्ट किया गया है बैटरी को। और उसी के दौरान बैक वाले टायर देखने जाए तो 13/28 के जो बड़े वाले टायर हैं इस ट्रैक्टर के अंदर उपलब्ध है, जो 38 हॉर्स पावर की श्रेणी का ट्रैक्टर है। किसान भाइयों, अंत तक वीडियो के बने रहिएगा, ताकि आप ऐसा ही ट्रैक्टर अपने घर जरूर लाइएगा, क्योंकि ऐसे ट्रैक्टर की आपको ज़रूरत है, जो समान कैटेगरी का ट्रैक्टर है। तो आगे वाले और पीछे वाले इंडिकेटर टेललाइट इस प्रकार से कुछ दिखते हैं शोक और स्टाइल के अंदर। इसका डीजल टैंक दिया गया, वो 50 लीटर का डीजल टैंक आता है, उसी के दौरान आप 50 लीटर तक डीजल डालकर लंबे समय तक ट्रैक्टर को यूज़ कर सकते हो। गियर सिस्टम, GPS सिस्टम, जैसा कि इस ट्रैक्टर के अंदर आपको उपलब्ध है, जो GPS के थ्रू आप कंपनी से बातचीत कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो ऐसा ही सिस्टम है। और एयर क्लीनर जैसा कि देखने को मिलता है, ऑयल बाइट टाइप का। और चैलेंजर है, काफ़ी बड़ा सा तगड़ा मोटा दिया गया है, जो काफ़ी दिखने में भी हैवी दिखता है। और लाइट है, वो राउंड है, जो आप मैसी के ट्रैक्टरों में ज़्यादातर गोल शेप के अंदर ऐसे ही लाइट्स देखने को मिलती है, वही इसमें दी गई हैं। बैक वाली लाइट है, वो भी बड़ी सी दी गई, काफ़ी शानदार दी गई, जो रात के समय में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इस ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पर जो इसका बोनेट है, वो इस प्रकार से दोनों की के साथ में खोल सकते हो, जो लीवर दिया गया है, लीवर के अनुसार यहाँ पर टिक के रखा है। और अंदर की साइड में आपको कूलेंट देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा है, जो सेप के अंदर ही बोनेट के अंदर रख दिया गया है फिटेड। और यहाँ पर स्विच वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो फीस होते हैं लाइट वगैरह से। और उसी के साथ में ही इसको यहाँ से देख के बंद भी कर सकते हो, और यहाँ पर लॉक दिए गए हैं, लॉक के अनुसार दोनों लॉक बंद कर सकते हो। और सेंटर शिफ्ट गियर सिस्टम आ जाता है। सीट है, काफ़ी बढ़िया दी गई है, हैवी मजबूत सीट है, जो एडजस्टेबल है, लीवर के अनुसार आप आगे पीछे भी कर सकते हो। और बाकी ट्रैक्टरों जैसे कि इस कैटेगरी में जैसे देखने जाए, तो बाकी ट्रैक्टरों में ऐसा आपको सीट एडजस्टेबल नहीं मिलती, तो काफ़ी शानदार है। और ये ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग के साथ में भी आता है, मैकेनिकल के भी साथ में आता है। और ये एनालॉग मीटर के साथ में दिया गया है, जो डिजिटल मीटर भी इसमें प्रोवाइड करती हैं, जो जो कितना अपना ट्रैक्टर रनिंग हुआ है वो यहाँ पर बताता है डिजिटल मीटर के साथ में। 12 वोल्ट का पोर्ट यहाँ पर दे रहा है, जो मोबाइल चार्ज कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया सुविधा है। और इनका जो हैंड वाली रेस है वो यहाँ पर दी गई है, जो हाथ वाली रेस और पैर वाली रेस है वो नीचे की साइड में पावजन के पास यहाँ पर दी गई हैं। ऑयल वाले ब्रेक्स दिए गए, ऑयल मिनिस्टर ब्रेक हैं, और क्लच है, वो सिंगल क्लच के साथ में आता है। और ऊंचे पावधान में ट्रैक्टर को बनाया गया, 8 फॉरवर्ड एंड 2 रिवर्स गियर सिस्टम के साथ में ये ट्रैक्टर प्रोवाइड करती है कंपनी, जो हाई लो के साथ में। उसी के दौरान यहाँ पर पार्किंग का लीवर देखने को मिल जाएगा, जो पार्किंग आप हेड ब्रेक लगा सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर इसका लॉक के साथ में आता है, और DC और PC का यहाँ पर लीवर कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जो
लिफ्ट को कंट्रोल में कर सकते हो। जय जवान जय किसान हेल्पलाइन यहाँ पर जो 1800 वगैरह ये नंबर टोल फ्री दिए गए हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर की नियमित देखभाल की समय सूची दी गई है। इसको पढ़ के भी आप ट्रैक्टर को चला सकते हो, यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर फाइबर का छोटा सा टूल बॉक्स दिया गया, शानदार, थोड़ा बहुत छोड़े इस ट्रैक्टर से रिलेटेड हो कैरी कर सकते हो। उसी के दौरान लिफ्ट की बात करें तो 1500 से 1800 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी क्षमता इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। और इस ट्रैक्टर के अंदर आपको अन्य ट्रैक्टरों से काफ़ी ठीक ट्रैक्टर आता है जो आप समान कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट करते हो ट्रैक्टर, तो ऐसा ट्रैक्टर ज़रूर खरीदिएगा। और इस ट्रैक्टर के बारे में आपका कमेंट राय हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। प्राइस के बारे में बताऊँ तो इस ट्रैक्टर की प्राइस हमारे क्षेत्र की है वो 550,000 के आसपास दी गई है, तो उसी के दौरान क्षेत्र के हिसाब से डिपेंड हो सकता है। धन्यवाद।